शो क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक एक लौता चैनल जहां आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिले ये सबसे क्रेजी जगह कौन सी थी भारत में यार मैं बहुत मतलब एक्सपीडिशन के चक्कर में तो मैं बहुत क्रेजी जगह में ऑलरेडी जा चुका था तो सबसे क्रेजी जगह जो मैं गया था वो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे एक माउंटेन है नेगी कांग सांग करके। वो सात हजार मीटर का पहाड़ है एंड अनक्लाइं माउंटेन है वो और वो हम लोग गए थे 2005 में और वो पहला एक्सपेडिशन था एवर टू गो इन टू दैट रीजन और अरुणाचल में सेपा डिस्ट्रिक्ट आती है और वहाँ मतलब बिल्कुल ही जो ट्राइबल दिखते ना यार वो क्या कहते हैं चूहे खाते हैं जो वो चूहों के एक बिल में धुआं करेंगे दूसरी जगह से वो लगा के रखेंगे और फिर ढेर सारे चूहे पकड़ते हैं वहाँ डेलीकेसी है, है चूहे तो उसके पिछवाड़े से डंडी घुसाएंगे मुंह में निकलेगी उसको स्मोक करेंगे और ऐसे बाजार में लेके घूमते रहते हैं चूहे खिलाने के लिए उनकी बेसिक डाइट है वो आपने खाए नहीं यार हमने नहीं खाया वो एक्सपीडिशन में ज़्यादा पता चला पेट खराब हो जाता तो हमने देखे देने पड़ जाते वहीं बैठे रहते तो इसलिए हमने रिस्क नहीं ली तो तो वहाँ पे एक स्टेज के बाद ना ट्राइबल्स भी आखिरी विलेज था वहाँ पे उसके आगे कभी ट्राइबल्स भी नहीं गए थे तो हम लोग जब उस जगह पर गए वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी मतलब देर आर वेरी फ्यू प्लेस इस दुनिया में जहाँ आप कह सकते हो दैट यू आर द फर्स्ट ह्यूमन बींगस एवर टू गो एंड वी आर द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स एवर टू गो टू दैट प्लेस इतनी सुंदर प्रिस्टीन लेक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर और वो जंगल जहाँ पे कोई नहीं गया था तो वो एक बहुत ही एक उसको कहते हैं कि वो भगवान शिव का सर्दियों का आवाज़ है सर्दियों में भगवान शिव वहाँ रहते हैं ऐसा कुछ मान्यता है वहाँ पे लोगों की बट एनी वे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था तो वो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत रेयर होते हैं बाकी जगह तो आप जाते रहते हो वहाँ पर कई लोग और भी गए हैं पर वो जगह ऐसी थी जहाँ हम मतलब इट वॉज अ लिटरल ब्लैंक ऑन द मैप हमारे इंडियन आर्मी के पास जो मैप्स थे अब तो सेटेलाइट से सारे मैप्स बन जाते हैं पहले नहीं हुआ करता था जब हम गए थे तो उस एरिया का मैप ही नहीं था यार कोई तो हम लोग ही पूरा मतलब जी की ग, रीडिंग्स लेके और सारा कुछ करके हम उस आगे के एरिया का जो फिलिंदा ब्लैंक हमने जो मैप पे किया था वो हमने किया था आके इंडिया की पूरी मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है हाँ अब तो यार हंड्रेड तो, अब तो अब पूरी खुद ही की इतनी सारी सेटेलाइट्स हैं और सब कुछ है अब तो सारी मैपिंग सेटेलाइट से होती है मतलब फोटो फोटोग्राफ्स होते हैं फोटोग्राफ टोपोग्राफी सब कुछ क्योंकि जैसे माउंटेन है आपको ऊपर से तो माउंटेन माउंटेन और प्लेन एक जैसा दिख रहा है ऊपर से आप एवरेज भी देखोगे तो प्लेन टिपी दिखेगी ग्रेडियंट नहीं पता चलेगा तो अभी की तो सैटलाइट इतनी एडवांस हैं कि वो पूरी ग्रेडिंग के साथ आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं अभी जी मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था फिर से पूछूंगा आ, इंडिया में अनएक्सप्लोर्ड है बहुत सारे अभी भी अब तो मेरे को नहीं लगता मतलब ऐसे शायद कुछ जगह होंगी जहाँ पे जैसे अंडमान के वो जड़ावा ट्राइब जहाँ पे रह रही हैं कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं या नॉर्थ छत्तीसगढ़ में या अरुणाचल में शायद कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं गए हैं पर मैपिंग तो पूरी हो रखी है हाँ ऐसी जगह होंगी अरुणाचल वगैरह में हो सकती हैं ऐसी जगह जहाँ पर कोई गया नहीं कभी जहाँ आप गए थे ये ट्राइबल एरिया के आगे क्या फील हुआ था वहाँ इफ़ यू एक्चुअली द फर्स्ट यून बिंग टू एवर गो कुछ तो अलग एनर्जी होगी वहाँ मतलब वो जो जो प्रिस्टीनस होती है ना जगह की जो वो नेचर आप ऐसे जो आप प्योर नेचर में जब जा रहे हो वो उसकी एक फीलिंग ही बहुत ज़्यादा अलग होती है बहुत अलग शांति का एहसास होता है और मे मेरा तो हमेशा से जो मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ वो मेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जितना नेचर बचाया जो हमने छोड़ रखा है कम से कम मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकूँ है ना तो मेरे और हर कोई अलग अलग किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जो प्रोफेशनल है बोलते यार कहाँ फंस गया जल्दी जल्दी निकलो पहाड़ तक पहुँचो क्लाइम करें और वापस आएँ कुछ लोग उसी जगह पर रहना चाहते हैं मेरे को तो बड़ा अफसोस होता है जब मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ और मुझे वापस आना पड़े क्योंकि मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग टाइप व कहानी होती है क्योंकि वो चीज़ें कहीं नहीं हैं और और ऐसी जगह तो मैं पड़े रह सकता हूँ पूरे टाइम मुझे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है ये जगहें और वो जितनी भी और मैंने देखा है जितना आप वा वाइल्ड जगहों में जाओ ना जितने ऐसी जगह में जाओ इट ड्रिंक्स आउट द बेस्ट इन यू आपके अंदर के जो अच्छे ख्याल है ना जो अच्छे भाव हैं वो बाहर आते हैं वहाँ पर आप वाइल्ड नहीं होते हो आप वहाँ पर कमीने नहीं होते हो आप वहाँ पर किसी का बुरा नहीं करना चाहते हो मतलब वो जगह ही आपको बहुत अच्छा बनने के लिए इंस्पायर करती है मैन यू गो बैक टू नेचर इन्वेरियबली आप सतपुड़ा के जंगलों में चले जाओ आप हिमालय में चले जाओ कहीं भी चले जाओ जहाँ आप अकेले हो जहाँ आप नेचर के बीच में हो वो हमेशा आपको इंस्पायर करती है अच्छा बनने के लिए है ना नेचर के साथ रहने के लिए तो वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स वहाँ पर रहती हैं ऐसी जगहों पर uh, कुछ डेंजरस सिचुएशंस थे अब जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे इंडिया को कुछ डेंजरस सिचुएशन में फंसे एट ऑल यार मेरी डेंजर की डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब मेरे को वही लगता है कि जो मैंने किया उसमें लोग कहानियाँ सुनाने शुरू करें तो बहुत सारी कहानियां सुना सकते हैं पर मेरी डेंजर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो अगर छोटी मोटी चीज़ें होती है तो मेरे को डेंजरस लगती नहीं है तो मैं लकी मतलब मैं इतनी दुनिया अभी मैं इतना पूरा अफ्रीका साइकिल कर लिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ ईस्ट एशिया में अकेले घुमाऊँ कोई नॉट अ सिंगल बैड एक्सपीरियंस अफ्रीका का मैं बताऊँगा बाद में बैड एक्सपीरियंस तो नहीं पर जहाँ मैं फंस गया था कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे कोई बुरे लोग नहीं मिले किसी ने मेरी साइकिल से कोई ओपरों सामने लगा रहता है ड्रोन दिख रहा है लोगों को मेरे पास है कैमरा भी पता है लोगों को मेरे पास है लैपटॉप है गाड़ी साइकिल के अंदर कभी कभी कुछ नहीं मेरे साथ एक भी चीज़ बुरी हुई अब उसके कारण वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे वो मैं बताऊंगा पर मतलब आईर आई बिन वेरी लकी और मेरा इंट्रैक्शन है जैसा भी इंडिया में ना न नक्शलाइट्स का एक फियर रहता है जब आप ऑफ कर रहे हो जहाँ जब आप किसी रैंड में इलाके में जा रहे हो सच है ये होता है हाँ मेरे को दो तीन दो मेरे दो तीन दोस्त थे जो नेक्सलाइट एरिया से राइड करके गए थे और मेरा एक दोस्त है जो नेक्सलाइट एरिया में काम कर रहा है वहाँ पे वो होम स्टेज और वो सारी चीज़ें बना रहा है तो नेक्सलाइट्स का यार आ, मतलब हमारा ऐसा परसेप्शन है कि हर किसी को मारते रहते हैं उनको ये पता चले कि आप किसी तरह आर्मी या पैरामिलिट्री से संबंधित हो तो शायद आपको किडनेप कर लेंगे या जो करना है करेंगे बट अदरवाइज़ नॉर्मल लोगों को कभी परेशान नहीं करते वो शायद ही कभी कभी ख़बरों में आया हो कि नेक्सलाइट्स ने किसी टूरिस्ट को पकड़ा और ठोक दिया ये ऐसा ऐसा मेरी उसमें तो कुछ हुआ नहीं और मेरे जो थोड़े बहुत दोस्त गए थे किसी को कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ नक्सलाइट एरिया से निकलने में क्योंकि उनका फ़ौज और सी मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके खिलाफ तो उनका है जब आप इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे थे तब आपको मार्शल आर्ट या स्पेशल फोर्सेज के स्किल्स यूज़ करने पड़े नहीं ऐसा कुछ इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये ये लोग जो होते हैं ना गुंडे मवाली टाइप के लोग इनका भी थोड़ा सिक्स सेंस ठीक रहता है इनको पता रहता है कि किससे पंगा लेना है किससे नहीं लेना एंड वेन यू आर कॉन्फिडेंट इट शोज़ इन योर आइज़ इट शोज़ इन योर बॉडी लैंग्वेज है ना तो ये सामने वालों को पता चल जाता है कि पंगे लेने लायक बंदा है कि नहीं क्योंकि आप एक नॉर्मल साधारण बंदे को यार कोई चाकू दिखाते कोई दिखाते हिल जाता है मतलब लिटरली स्टार्ट शेकिंग लाइक दिस खासकर कोई घर वाला साथ में तो और हालत ख़राब हो जाती है अगर कोई ट्रेंड बंदा है अगर किसी को उसको फ़र्क नहीं पड़ता चाकू तूने निकाल लिया है तो मतलब मेरे को तो डर ये लगता है कि ये चाकू उसी को ना लग जाए मेरा एटीट्यूड उल्टा है ना कि यार मेरे हाथ से कुछ उल्टा ना हो जाए क्योंकि फंसूँगा तो मैं ही उसके बाद साला सामने वाले कुछ हो गया तो तो वो कंट्रोल दूसरी तरफ से करना पड़ता है कि वी हैव हैव आई टू डिफ्यूज द सिचुएशन ताकि मेरे हाथों से कुछ उल्टा नहीं हो जाए पर वो कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप मतलब वो चीज़ें पहले अवॉइड हो जाती हैं तो ये इसीलिए हर किसी को सशक्त तो होना बहुत ज़रूरी है अच्छाई को सशक्त तो होना बहुत जरूरी है बुरे तो हैं कुछ कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए ऐसी चीज़ें कह देते हैं पर स्पेशल फोर्सेस वेटरन सच कहते हैं तो मैं बस ये आ, कहना चाहूँगा नहीं मतलब मैं इसलिए मैं शो ऑफ मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें बोलता ही नहीं हूँ क्योंकि लोग बोलेंगे यार ये शो ऑफ कर रहा है पर मैं इसलिए आई फील फिल्कि यहाँ आपको कहना चाहिए ताकि लोग भारतीय सोल्जर्स के बारे में थोड़ा सा जाने आई कि यहाँ कहना इस इस एनवायरमेंट में कहना ठीक है हाँ फिर मेरे को ये भी लगता है यार चल ठीक है छोड़ बोल दो सर नहीं यार मेरे को ये लगता है कि देखो ना लाइक माइंडेड कंपनी में मैं ऐसी बातें बोलूँ ना मैं सम मैंने कई लोग देखे हैं एक्चुअली जो लोग सुन रहे हैं ना मेरे को बहुत ज्यादा लगता है कि जैसे अगर कोई मेरे को सोचता है कि मैं अच्छा बनता हूँ यार लोग आजकल ना बड़े रोल मॉडल्स ढूंढ रहे हैं कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं कहीं से कुछ हो जाए तो मेरे को लगता है कि यार यहाँ बैठ के ना हवाबाजी नहीं करनी चाहिए लोगों को तो कई लोगों को मैंने सुना है जो इतनी हवाबाजी करते हैं कि यार मतलब इट बिकम्स वेरी क्रिंजी एंड आई फील सॉरी फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग टू देम क्योंकि यार वो तो सोच रहे हैं आप सब सच बोल रहे हो और है ना आपको उनमें आपका बहुत ज़्यादा फेथ है तो यहाँ पे बैठ के जब आप बोल रहे हो तो एक जवाबदारी है आपके लिए कि आपने जो किया है वो आप सच सच बोलो ताकि सामने वाले को पता चले एक्सटेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और हम गॉड नहीं है या कोई भी मतलब मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा जो भी गुरु बने घूम रहे हैं या जो कोई भी मोटिवेशन टॉक्स दे रहे हैं मैंने कई सारे मोटिवेशन मैं सुनता नहीं हूँ पर वो कहीं रील में कहीं ना कहीं से आ जाता है तो मेरे को ना एक ये बड़ा प्रॉब्लम होती है कि लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं और वो फ्रॉड लोगों को सुन रहे हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर है जब आप किसी को सुन रहे हो तो आप ये देखो कि उसने बी करने के अलावा ज़िंदगी में किया क्या है ठीक <laughs> है वो जो आपको बोल रहा है रिस्क लो रिस्क लो हाँ हेवेंस आ जाएंगे आपकी मदद करेंगे भाई उसने क्या किया है ऐसा कभी उसकी ज़िंदगी में हुआ है क्या कि उसने ज़िंदगी सब कुछ दावों पे लगा दिया और वो जो करना चाहता था वो किया और उसमें सक्सेसफुल हुआ बहुत कम है ऐसे लोग बातें करने वाले बहुत सारे हैं और लोग इस चक्कर में पढ़ के कर देते हैं उनकी ज़िंदगी भी झंड हो जाती है और मिलता उन्हें कुछ नहीं है True. तो इसीलिए हाँ मैं उतनी बातें बोलना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं बल्कि मैं आधी बोलता हूँ ठीक है गुंडे मिले इंडिया में यार गुंडे नहीं मिले मेरे को लकीली कहीं कुछ नहीं मिला मेरे को गुंडे वुंडे यूपी बिहार से तो मैं जितनी तेज़ी से हो सकता था उतनी तेज़ी से निकल गया <laughs> वहाँ डेंजर होता है हाँ वहाँ डेंजर होता है यार वहाँ पर तो मेरे एक अफसर पेट्रोल डलवा रहे थे उनकी वाइफ सामने बैठी थी और उनकी गाड़ी में पिस्टल रखी हुई थी पर वो गलती से उतर गए वो पेट्रोल टैंक के पास चले गए वो देखने के लिए ना खड़े हो जाते हैं कि यार पेट्रोल डल के पैसे वैसे वहाँ वो करने के लिए उनका वॉलेट उनकी वाइफ का पर्स सामने डैशबोर्ड पे रखा था विंडोज़ रोल डाउन थी और पेट्रोल पंप पे ही उसने खींचा बाइक पे बैठ के वो दफ़ा हो गए वहाँ से एंड यू कान डू एनी तो सम प्लेसिज आर नोटोरियस सो इट्स बेटर टू बी कॉशियस हर जगह बॉन्डनी बनने का है जहाँ <laughs> पता है कि यार यहाँ हो सकता है कुछ गड़बड़ तो हाँ किस लिए हालांकि मैं बेगूसराय बेगूसराय जैसी जगहों में पेट्रोल पंप पे गाड़ी ला के सोया हूँ पर मैं जाके पहले बता देता यार मैं हाँ गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ सो जाऊँ क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में ही सोता था उन्होंने बोला हाँ सर सो जाओ फिर बता भी देता था मैं फ़ौजी हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ करके तो उससे फ़र्क पड़ता उन चीज़ों से तो इसीलिए झूठ अभी तक तो रहा है ओके ये भारत के एक्सप्लोरेशन फेज़ में और कौन सी जगह देखी थार डेजर्ट देखी नहीं मैं थार थार मतलब मैं वैसे गया था जैसलमेर वगैरह गया था मैं okay. और पर यार जैसे मैंने दो साल में साठ हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाई तो दिल्ली से मैं पूरा शुरू किया करता था पूरा एलसी के साथ साथ ना रजौरी पुंछ वहाँ से सुरनकोट फिर मुग़ल रोड जो कश्मीर वैली में जा रही है शुपैया वहाँ से तंग धार कपवाड़ा पूरा एल घूमते घूमते फिर जो ज़िला पास क्रॉस करके ले सियाचिन फिर सियाचिन से पूरा मतलब अरुणाचल तक ऐसी दो ट्रिप मारी है मैंने क्यों पर वो यार मैं सोलर लाइट्स का बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि दिल्ली विल्ली में मेरे को कुछ करना था नहीं तो सारे फ़ौजी कोर्समेट जब दो वगैरह में मेरे जो कोर्समेट थे वो कमांड कर रहे थे सारे कर्नल्स थे ज़्यादातर जनरलों को मैं जानता था क्योंकि जो कोर कमांडर वगैरह थे तब क्योंकि क्योंकि बीइंग स्पेशल फोर्सेस हमारे जो लेवल ऑफ इंट्रैक्शन है बहुत हाई रहता था तो उन सबको मैं जानता था तो मैंने सोचा यार उनको भी ज़रूरत थी क्योंकि हमारे बंकरों में तब वही क्या कहते हैं रम की बोतल में बत्ती लगा के जलाया करते थे वो तब तक क्योंकि जो बिल्कुल बैंग ऑन एल सी तो सामने ही है हो जनरेटर आप चला नहीं सकते तो वहाँ के लिए सोलर लाइट्स बहुत अच्छी थी और प्लस जो मैं एक्सट्रीम रूरल इलाकों में जाता था पहाड़ों में कई ऐसे गाँव थे जहाँ पर लाइट ही नहीं है तो ऐसी जगहों पर मैं जाया करता था पर बिजनेस सेंस कुछ था ही नहीं यार मतलब जितना पैसा था वो भी खत्म हो गया मिला भी कुछ नहीं मतलब एस ए सेल्समैन अब जाते थे हाँ मतलब ways. मैं अपना खुद ही मैंने कंपनी बनाई थी लाइटिंग हिमालयस करके तो मेरा ऑब्जेक्ट मेरा पर्पस था कि ऐसे रिमोट कॉर्नर्स ऑफ हिमालय को जाके मैं मतलब सोलर लाइट और मतलब सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करना ऐसा मेरा ऐसी ऑनरेबल थिंकिंग थी मेरी दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ